हम लोग आज चर्चा करने वाले हैं एक ऐसे न्यूक्लियर रिएक्टर के बारे में जहां पर एक बहुत बड़ा हादसा हुआ था वर्ष 2011 में। 11 मार्च 2011 का समय था, जापान का एक न्यूक्लियर रिएक्टर जिसका नाम था फुकुशिमा। फुकुशिमा में हुआ जो न्यूक्लियर रिएक्टर हादसा था, उस हादसे को आज पूरे 10 साल हो चुके हैं। 10 साल बाद की क्या है स्थिति, आज आपको इस सेशन के माध्यम से पता चलेगा कि वहां पर जिस जगह ये न्यूक्लियर हादसा हुआ था वहां लोग रहने जाएं या नहीं, इसके लिए सांपों को भेजकर देखा जा रहा है, स्नेक्स को भेजकर देखा जा रहा है कि क्या वहां पर अभी भी न्यूक्लियर फिजाइल मटेरियल पड़ा हुआ है। साथियों, मैं आपको बताने जा रहा हूं एक ऐसे हादसे के बारे में जिसे दुनिया के अंदर दूसरा सबसे बड़ा हादसा कंसीडर किया जाता है। साथियों, दुनिया के अंदर न्यूक्लियर रिएक्टर्स के अंदर हादसों में देखिए, न्यूक्लियर बम गिरने के अंदर जापान का नाम आता है, हिरोशिमा और नागासाकी का। लेकिन जहां न्यूक्लियर एनर्जी पैदा की जा रही हो, नाभिकीय विखंडन से ऊर्जा पैदा की जा रही हो, और वहां पर साथियों अगर कोई ट्रेजेडी हो जाए, तो दुनिया के दो सबसे भयानक हादसों में एक हादसे का नाम है चेर्नोबिल हादसा, जो हुआ था 1986 में तत्कालीन यूएसएसआर, उस समय का जो यूएसएसआर था उसमें हुआ था। और दूसरा जो सबसे बड़ा हादसा है जिसके बारे में आज मैं आपको बताऊंगा, और वो हादसा है साथियों फुकुशिमा प्लांट के अंदर हुआ हादसा। तो क्या था ये फुकुशिमा प्लांट का हादसा जिसके 10 साल बाद भी ट्राई करने के लिए वहां स्नेक भेजा जा रहा है, सांप भेजा जा रहा है, जानने के लिए कि क्या वहां के हालात हैं। बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है ये क्वेश्चन, केवल इसलिए नहीं कि सांप भेजा जा रहा है, इसलिए क्योंकि न्यूक्लियर डिजास्टर आपके सिलेबस का हिस्सा है। न्यूक्लियर एनर्जी टेक्नोलॉजी जिस प्रकार से हिस्सा है, स्टेट पीसीएस हो, एसएससी हो, यूपीएससी हो, सभी एग्जाम्स में न्यूक्लियर डिजास्टर्स के बारे में जरूर पूछा जाता है। तो चलिए आज आपको दुनिया के एक ऐतिहासिक ज्ञान के बारे में जानकारी देते हैं, क्या है फुकुशिमा डिजास्टर। साथियों, पहले न्यूज़ के अंदर कुछ बातें जान लीजिए। साइंटिस्ट्स आर यूजिंग रेडियोएक्टिव स्नेक्स टू मॉनिटर फॉलआउट फ्रॉम फुकुशिमा न्यूक्लियर रिएक्टर। वैज्ञानिकों के द्वारा सांपों का उपयोग किया जा रहा है ये जांचने के लिए कि आज के हालात वहां क्या हैं। साथियों, इन सांपों के ऊपर कुछ विशेष प्रकार की चीजें लगा करके भेजी जा रही हैं ताकि ये वहां पर अंदर तक पहुंच जाएं। इनके ऊपर ट्रैकिंग डिवाइस लगा दी जा रही है ताकि ये इस ट्रैकिंग डिवाइस को लेकर के यहां पहुंचे, और इसी प्रकार से यहां पर एक डिसीमीटर इनके अंदर लगा दिया जा रहा है। कुछ विशेष प्रकार के स्नेक यूज किए जा रहे हैं जो यहां पर लगभग 34 किलोमीटर के एरिया को चल करके कवर करेंगे। इनके अंदर लगी हुई डिवाइसेस जो हैं वो ये पहचानेंगी कि क्या यहां पर अभी भी न्यूक्लियर मटेरियल बचा हुआ है या नहीं। यानी ये सांप इसलिए छोड़े जा रहे हैं ताकि इनमें लगे हुए जो ट्रांसमीटर्स हैं, उन ट्रांसमीटर्स के माध्यम से वैज्ञानिक ये पता लगा पाए कि यहां पर अभी भी न्यूक्लियर मटेरियल बचा है कि नहीं। चलिए थोड़ा जानकारी प्राप्त करते हैं क्या है पूरी कहानी। साथियों, हम चर्चा कर रहे हैं जापान के अंदर एक पर्टिकुलर न्यूक्लियर रिएक्टर की जिसका नाम है फुकुशिमा डाइची न्यूक्लियर पावर प्लांट। साथियों, हम चर्चा कर रहे हैं न्यूक्लियर पावर प्लांट फुकुशिमा डाइची न्यूक्लियर पावर प्लांट की। अगर आपको मालूम हो तो जापान एक आइलैंड कंट्री है। जब हम जापान के बारे में बात करते हैं तो हमको यहां पर चार आइलैंड पता चलते हैं। इनमें से एक का नाम है होकाइडो, दूसरे का नाम है होनशू, तीसरे का नाम है शिकोकू, और चौथे का नाम है क्यूशू। तो होकाइडो, होनशू, शिकोकू और क्यूशू, इनमें से जो ये होनशू नामक जो आइलैंड है साथियों, इस होनशू नामक आइलैंड पर स्थित है जगह जिसका नाम है फुकुशिमा। ये देखिए साथियों, अब थोड़ा सा मैं आपको घटना बताता हूं, आपकी रूह कांप जाएगी इस घटना के बारे में जब आप जानेंगे। आपको ऐसा लगने लगेगा कि ईश्वर ऐसी दुर्घटनाएं जो है वो दूर रखे इस दुनियादारी से। आइए साथियों जानते हैं घटना क्या है। घटना कुछ इस प्रकार से है कि वंस अपॉन ए टाइम जापान के इस होनशू नामक आइलैंड के नजदीक समुद्र में एक भूकंप आया। कब की बात है? 2011 की बात है। तारीख क्या थी? 11 मार्च थी। साथियों, समुद्र में भूकंप आया, और समुद्र में भूकंप के नाम पर हुआ क्या कि यहां पर साथियों समुद्र में, यार एक तो है ना, हमारा आजकल लैपटॉप क्लास के दौरान चलते चलते इंटरनेट लूज से आप अंदाजा लगा, इससे दुनिया का
चौथा सबसे बड़ा भूकंप माना गया था। आप में से कई लोग पूछेंगे कि सर क्या अर्थक्वेक समुद्र में भी आते हैं क्या? अरे क्यों नहीं आते भाई, हम जिस पर रहते हैं वो एक प्लेट है और जापान तो जाना ही जाता है भूकंप के देशों के नाम से। तो भूकंप का जो देश है वो जापान है और उसके नजदीक समुद्र में एक भूकंप आया वर्ष 2011 में 11 मार्च के दिन। 9.1 रिएक्टर पैमाने का भूकंप था। दुनिया में अभी तक चार ही बड़े भूकंप आए हैं, उनमें से चौथा सबसे बड़ा भूकंप था ये साथियों। इस चौथे बड़े भूकंप के लिए मैं आपको मन में जो क्यूरियोसिटी आई कि दुनिया में अब तक सबसे बड़े भूकंप यानी अर्थक्वेक कब आए, तो साथियों वर्ष 1900 से आज तक जो आंकड़े इकट्ठे किए जा रहे हैं उनमें सबसे पहला अर्थक्वेक 1960 में था और 1960 का ये आग जो था ये चिली नामक जगह पर आया था जिसकी तीव्रता 9.5 थी। दुनिया का सबसे तेज भूकंप चिली में था 1960 में। नंबर चौथा पर जो है वो होन्शु करके जो आइलैंड है यानी कि जापान के चार बड़े आइलैंड होन्शु, शिकोकू और क्यूशु, तो ये होन्शु में 9.1 तीव्रता का आया था। ये वही था साथियों 11 मार्च 2011 वाला, यानी कि दुनिया में अब तक चार बड़े में से चौथा ये वाला है, ठीक है ना। अच्छा कितना बड़ा भूकंप था ये साथियों? ये इतना बड़ा भूकंप था कि समुद्र का पानी हिल गया। साथियों अगर समुद्र में भूकंप आ जाए, इसको ऐसे समझिए, आपके पास बाल्टी हो जिसमें पानी भरा हो और उस पानी की बाल्टी को अगर आप खींचें या हिला दें तो वो जो बकेट या बाल्टी जो है वो पानी के हिलने के बाद जैसे झोटे मारती है और वो पानी निकल करके उस बाल्टी से दाएं बाएं ऊपर फैल जाता है। साथियों ऐसा ही कुछ समुद्र के साथ हुआ। जापान के पूर्व की तरफ स्थित था पैसिफिक ओशियन और उसके अंदर आया हुआ यह भूकंप साथियों इतना तेज था कि इसने पैसिफिक ओशियन के पानी को हिला दिया। पानी ऐसा हिलाया कि वो समुद्र का पानी जैसे बकेट के ऊपर से उछलता है वैसे उछल करके साथियों शहर में घुस गया और इस शहर का नाम था फुकुशिमा। ये फुकुशिमा वैसे ही था साथियों जैसे भारत के अंदर तूतीकोरिन है, समुद्र के किनारे हमने न्यूक्लियर रिएक्टर बना रखा था और साथियों ये पानी ऐसा हिला, आप इसको ऐसे देखें, ये शहर बसा हुआ है और इस शहर में आप देखिए ये नदी के, ये समुद्र का पानी है, समुद्र से जहाज जो है वो सीधे जाकर के घरों से टकरा रहे हैं। आप शायद इस दृश्य का अनुमान लगा सकते हैं। पानी के अंदर साथियों लगभग 16,000 लोगों की जान चली गई थी इस घटना के अंदर 2011 में। साथियों कहते हैं कि यह पानी जमीन से 40 फीट ऊपर तक उछल गया था, यानी समुद्र का पानी जो है वो उछल करके 40 फीट ऊंचाई तक चला गया था। फिर क्या हुआ साथियों, यहां पर जो आपके सामने सबसे इंपॉर्टेंट बात है वो क्या थी कि जब ये पानी उछला तो ये जो किनारे पर लगे हुए आप चीजें देख रहे हैं साथियों ये थे फुकुशिमा रिएक्टर्स और फुकुशिमा रिएक्टर्स में ये पानी पहुंच गया। फुकुशिमा रिएक्टर्स में ये पानी पहुंचा तो भूकंप के आते ही रिएक्टर वालों ने सबसे पहले अपना कनेक्शन तो कट कर दिया यानी न्यूक्लियर सप्लाई तो रोक दी, लेकिन इस रिएक्टर में जो कूलेंट था उसका भेजा जाना अभी बाकी था क्योंकि न्यूक्लियर रिएक्टर गर्म था। विदिन 9 मिनट्स साथियों ये घटना इतना तेज हुई कि जनरेटर से कूलेंट की व्यवस्था ऑन तो कर दी गई लेकिन पानी इतना तेज आया कि वो जनरेटर तक पहुंच गया और उस जनरेटर को जाकर के इसने बंद कर दिया। जनरेटर बंद होने से ये जो रिएक्टर्स थे इनका पानी ठंडा नहीं हो पाया और इसके कारण साथियों इस फुकुशिमा नामक जगह पर ये न्यूक्लियर रिएक्टर में गजब तरीके का विस्फोट हुआ। ये विस्फोट आप यहां पर दृश्य में देख सकते हैं, ये ऐसा विस्फोट था जिसके कारण ऑन द स्पॉट 16,000 लोगों की जान चली गई। 1.5 लाख से ज्यादा लोग जापान के इस शहर को छोड़ करके चले गए और साथियों वो आज तक यहां नहीं लौटे हैं। मैं यहां पर एक डॉक्यूमेंट्री की कुछ फुटेज लेके आया हूं जो कि नेशनल ज्योग्राफी की है। हमारी टेक्निकल टीम क्रेडिट्स में नेशनल ज्योग्राफी को ये क्रेडिट शेयर कर दे क्योंकि हम वहां से लेके आए हैं, हालांकि नेशनल ज्योग्राफी ने कहीं और से उठाई हुई है ये, लेकिन फिर भी नेशनल ज्योग्राफी को क्रेडिट मेंशन कर दिए जाए। साथियों बात है, अब इसको आप इधर देखिए, यहां समुद्र में था भूकंप, ये सेंडाई नामक जगह है, आपने सेंडाई फ्रेमवर्क सुना होगा जो डिजास्टर के लिए जाना जाता है। यहां पर बहुत तेज भूकंप आता है, भूकंप ऐसा कि समुद्र का पानी समुद्र से उछल करके इस प्रकार शहरों में घुसने लगता है। शहरों में घुसते हुए इस पानी को आप ऐसे देख सकते हैं कि यहां पर लोगों को यह समझ नहीं आ रहा था इन्हें जाना कहां है। लोग दौड़ दौड़ करके पहाड़ों पर और घरों की ऊंचाइयों पर जा रहे थे और साथियों समुद्र झूल रहा था और अर्थ का झूलना जो है वो समुद्र के पानी को और व्हीकल्स को और जहाजों को शहर के अंदर घुसा रहा था।
आप इस दृश्य को देखें और आप अंदाजा लगाएं कि कितना भयानक यह दृश्य होगा जब समुद्र शहर में चला आए, जहाज समुद्र के शहरों में घुसे चले आए। तो आप इसे देख सकते हैं, यह दृश्य 2011 का विभत्स दृश्य है जो कि 11 मार्च को हुआ था और यहां पर यह जगह थी फुकुशिमा। साथियों, समुद्र में आया हुआ भूकंप जो होता है उसी को ही हम सुनामी के नाम से जानते हैं और यह सुनामी बहुत ही भयंकर सुनामियों में से एक थी। साथियों यहां पर आप देख सकते हैं कि कैसे शहरों के अंदर पानी बहुत गहराइयों तक आपको दिखाई पड़ जाएगा, कितना तेजी से यह समुद्र के अंदर पानी एंटर कर रहा है। होता क्यों है ऐसा? तो समुद्र के भीतर जो दो प्लेट हैं, जब ये प्लेटें आपस में टकराती हैं तो भूकंप का उत्पन्न होता है। आपको पता होना चाहिए कि अपना जो पैसिफिक रिंग ऑफ फायर है, वो पैसिफिक रिंग ऑफ फायर जापान के नजदीक है और यहां पर प्लेट टकराने से भूकंप का निर्माण हुआ और ये भूकंप इतना तेज था कि अगर समुद्र में चल रहा था तो किसी को दिखाई नहीं पिया, किसी को लगा कि केवल 2 फीट पानी उठेगा, लेकिन चूंकि ये धरातल पर आने वाला था तो साथियों इसने समुद्र की बहुत बड़ी ऊंचाई को टच कर दिया। यदि आप इसको देखें तो इसने इतने बड़े क्षेत्र में, आप सोचिए कितना तेज पानी ऊपर की तरफ चल के आया था। ये एक जापान कोस्ट गार्ड का वीडियो है जिसमें इस जहाज से वीडियो रिकॉर्ड किया गया। आप इस गिरते हुए जहाज से अंदाजा लगा सकते हैं, ये देखिए आप, ये कितना गहराई में जाकर के गिरा, यानी कि आप इससे अंदाजा लगा सकते हैं कि पानी कितना घने रूप से समुद्र से, अंदाजा लगाया जाता है साथियों कि ये पानी इतना अंदर तक फैला कि समुद्र से 30 मील दूरी तक, यानी कि जापान के अंदर 30 मील दूरी तक समुद्र का पानी अंदर चला गया था। ये दुनिया के सबसे खतरनाक भूकंपों में से एक माना जाता है। साथियों, ग्राफिक्स के माध्यम से आप अंदाजा लगा सकते हैं कि ये समुद्र का पानी इतना अंदर घुस गया था। यानी फुकुशिमा प्लांट, जिसके बारे में ये कहा जा रहा था कि संभावित ही नहीं है कि यहां पर कभी कुछ हो सकता है, वो फुकुशिमा प्लांट जापान, जो कि विशेष रूप से कभी न्यूक्लियर रिएक्टर्स नहीं बल्कि न्यूक्लियर बॉम्ब से पीड़ित रहा था, आज वही जापान न्यूक्लियर के रिएक्टर फटने से पीड़ित हो रहा था। हालात ये हुए साथियों कि यहां पर पूरी तरह विकिरण युक्त जो पानी है वो समुद्र के अंदर बहना शुरू कर दिया, क्योंकि रिएक्टर्स के फटने से जो पानी निकला, वो जो पानी था रिएक्टर्स के फटने से और जो कूलेंट था और न्यूक्लियर मटेरियल था वो समुद्र में जाने लग गया। लेकिन जापान की एक टेक्नोलॉजी है, टेक्नोलॉजी क्या कि जापान डिजास्टर मैनेजमेंट में भी एक बहुत बड़ा देश रहा हुआ है। साथियों, इसने क्या किया, इसने तुरंत उस समुद्र के अंदर पूरी तरह से उस पानी को रोक दिया और पानी को रोक करके चारों तरफ बाउंड्री बना दी जो रिएक्टर से लेकर के पानी को लौट रहा था। और इस लौटते हुए पानी को साथियों इसने जब रोका तो यहां पर रोक करके उस समुद्र के अंदर कई मिलियन टन पानी ऐसा है जो कि रिएक्टर्स को छू तो गया लेकिन वापस पैसिफिक ओशन में नहीं मिला। साथियों, आज भी वो पानी, समुद्र का जो पानी है वो रोक रखा है जापान ने फुकुशिमा प्लांट के पास, जिसको मेंटेन करने में हमेशा हर साल बिलियंस ऑफ येन खर्चा हो रहा है। जापान की इकोनॉमी में एक बहुत बड़ा खर्चा है कि वो रिएक्टर के अंदर का पानी जो कि अब मिक्स हो चुका है न्यूक्लियर रिएक्टर से, वो उसे रिलीज नहीं कर पा रहा है। बड़ी चिंता का विषय है। जापान चाहता बहुत है कि इसके साथ में ये निकल पाए, लेकिन अभी कोई भी दुनिया का देश उसे निकलने नहीं देता। हालांकि WHO ने, इसके अलावा यूनाइटेड नेशंस ने भी ये कह दिया है कि अब वो टेंशन की बात खत्म हो गई है, क्योंकि रिएक्टर्स के अंदर निकला हुआ जो पानी है वो अब चिंता रहित हो चुका है। लेकिन फिर भी दुनिया के देश जापान को वो समुद्र का पानी रिलीज नहीं करने दे रहे। इसीलिए जापान हर साल कोई ना कोई ऐसी टेक्नोलॉजी का डेमोंस्ट्रेशन देता है जिससे लोगों को यह मैसेज कन्वे कर सके कि चिंता की कोई बात नहीं है, न्यूक्लियर रिएक्टर से निकला हुआ जो पूरा की पूरा फ्यूल था वो अब पूरी तरह न्यूट्रलाइज हो चुका है, लेकिन दुनिया को मानने को तैयारी नहीं है। कई लोग पूछेंगे कि जापान के लोग क्या मानते हैं, सबसे बड़ा जो विरोध करते हैं ना साथियों इस न्यूक्लियर रिएक्टर के पानी का, ये जापान के लोग ही करते हैं। जापान के लोग क्यों विरोध करते हैं, इसके पीछे भी एक कारण है। जापान के लोगों का विरोध करने का कारण यह है क्योंकि उन्हें लगता है कि जापान सरकार अगर पानी को रिलीज कर दी तो यह पानी समुद्र के अंदर पल रही मछलियों में चला जाएगा और वो मछलियां जापान के लोग खाया करते हैं, क्योंकि जापान पूरी तरह डिपेंडेंट है फिशरीज के ऊपर, फिश कल्चर के ऊपर। अगर वो मछलियों में चला गया न्यूक्लियर मटेरियल तो वो धीरे धीरे फूड चेन में आ जाएगा और फूड चेन में आने के बाद में वो बहुत बड़ी संख्या के अंदर लोगों के अंदर डीएनए के अंदर विकृतियां पैदा कर देगा। यह है सारी की सारी घटना। उम्मीद
उम्मीद है आपको पता चल जाए। इसी क्रम में आपने आज हमसे ये जान लिया कि फुकुशिमा डाइची प्लांट की दुर्घटना क्या थी और इसको दूर करने के लिए इन्होंने फिलहाल के लिए जो टेक्नोलॉजी अपनाई है वो स्नेक्स क्या है, वो स्नेक्स कहां कहां जाकर के बताएंगे कि न्यूक्लियर रिएक्टर्स के साथ क्या हुआ। उम्मीद है आप सभी साथी जो है वो इस बात को प्रॉपर तरीके से जान गए हो। अगर आपको ये बात समझ में